हाँ तो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे कैरी मिनाती के वीडियो जो डिलीट हुआ है, इसके लिए काफी ज्यादा हलचल मचा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा तो आखिर में उस वीडियो को डिलीट क्यों किया गया और जो कैरी मिनाती के वीडियो जो डिलीट किया गया है वो वीडियो वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बहुत सारे न्यूज निकल कर आया है इसके बारे में। अमीर सिद्धि के कारण जो जंग छिड़ा है, अमीर सिद्धि पे आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आपको पता भी होगा जिस वीडियो में कैरी मिनाती ने अमीर सिद्धि को रोस्ट किया था, वो वीडियो कुछ ही टाइम में कई सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। और जिस वीडियो में आप देख भी सकते हैं 72 मिलियंस व्यूज आ चुका था और 10 मिलियंस लाइक्स आ चुका था। और उस वीडियो को हरासमेंट के कारण इस वीडियो को यूट्यूब से रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि रिमूव कर दिया गया है। ये अभी डिलीट नहीं हुआ है। मैं आपको बता, एक कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब से इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। ये वीडियो को डिलीट नहीं किया गया है, सिर्फ इसे रिमूव किया गया है। ये वीडियो आ भी सकता है, न भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कैरी मिनाती ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया जिसमें वो बताया है कि इस वीडियो को यानी कि वापस नहीं आ सकता। तो ये क्या कारण है, या फिर आप लोगों को सपोर्ट मिला तो वीडियो जल्द से जल्द वापस भी आ सकता है। यहाँ पे अमीर सिद्धि के कई सारे आइडियो भी यहाँ पे लीक हो रहा है, जिसमें कैरी मिनाती को गाली दे रहा है। आपको क्या लगता है, अमीर सिद्धि को कैरी मिनाती को गाली देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें आपको पता भी होगा टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूब के बारे में। एलविश यादव ने भी एक वीडियो अपलोड किया था और मिलियंस में व्यूज चला गया है। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। और इसके बाद जो एलविश यादव ने अपना वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था, इसके बाद उसने एक स्टोरी लगाया था इंस्टाग्राम पे, यदि हमारा वीडियो डिलीट हुआ तो देख लेना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हो सकता है इसके डर के कारण उसका वीडियो रिमूव नहीं हुआ है, सिद्धि ने डर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और एलविश यादव का जो वीडियो रिमूव हुआ था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, वो वीडियो उसका वापस आ चुका है। जो अमीर सिद्धि का आइडियो सुनना चाह रहे हैं, जो कैरी मिनाती को गाली दे रहा है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वो आइडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, तो हम बात करते हैं फाइनली अमीर सिद्धि पे, आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, इसमें यदि आप अमीर सिद्धि पे वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे अमीर सिद्धि पॉपुलर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। पॉपुलर वहाँ पे अमीर सिद्धि हो रहा है, ये निगेटिव बोल रहे हैं या फिर पॉजिटिव बोल रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। ये मामला जो है कुछ दिन तक चलेगा, इसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा, इस बात को आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी है कैरी मिनाती का आप लोगों को सपोर्ट करना है और अमीर सिद्धि पे वीडियो बिल्कुल मत बनाइए, और कैरी मिनाती को सपोर्ट कीजिएगा तो हो सकता है उसका वीडियो वापस आ सकता है, क्योंकि वो ऐसा है, वो वीडियो कई सारे रिकॉर्ड और भी ब्रेक करने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।